हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल कुकिंग सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर पर बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल टेस्टी, बहुत ही चटपटी आलू भिंडी मसाला किस प्रकार से बनाया जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर और इन्जॉय कीजिए हमारी आज की रेसिपी। चटपटेदार आलू भिंडी मसाले बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक स्मॉल साइज आलू लिया हुआ है, दो स्मॉल साइज टमाटर लिए हुए हैं, दो हरे मिर्च लिए हुए हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर लगभग 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ताजे हरे भिंडी लिए हुए हैं। लिए हुए आलू, टमाटर और भिंडी को अब हम बिल्कुल मीडियम साइज में यहाँ पर कट करेंगे। हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ में आलू, टमाटर और हरे मिर्च को और 8 से 10 लहसुन की कलियों को कट कर लिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेसिक मसाले हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और यहाँ पर लाल मिर्च और नमक पाउडर। और इसी के साथ साथ कुछ हमने यहाँ पर खड़े मसाले भी लिए हुए हैं, जैसा कि राई हो गया, जीरा हो गया, लाल मिर्च हो गया, तेज पत्ते हो गए। अब इन सभी के मिश्रण से हम बहुत ही टेस्टी भिंडी मसाला बनाकर आपको बताएंगे दोस्तों। और ये देखिए, हमने यहाँ पर भिंडी के भी छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करेंगे और कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद हम कढ़ाई पर ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को भी अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद हमने इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। और यहाँ पर अब देखिए, हम यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश प्याज ओनियन को यहाँ पर कट करके यहाँ पर खड़े मसालों के साथ फ्राई करेंगे। जब तक हमारे खड़े मसाले फ्राई हो रहे हैं, हम यहाँ पर ओनियन को कट कर रहे हैं दोस्तों। ओनियन कट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़े मसाले भी बिल्कुल लगभग अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। खड़े मसाले अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद हम इसमें ओनियन को, कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो एक मीडियम साइज प्याज को कट किया था उसे ऐड कर दिया है। अब हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बस इसी ही पॉइंट पर आकर हम यहाँ पर कटे हुए आलूओं को ऐड कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, प्याज को मीडियम ही फ्राई करना है, ज़्यादा हमें इसे ब्राउन कलर पे शेप नहीं लाना है प्याज का। और उसी पॉइंट पर आकर हमें इसमें आलू ऐड कर देना है, ताकि आलू प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और प्याज जले भी नहीं। और जो हमने खड़े मसाले लिए हुए थे, उसमें लगभग 1 से 2 टेबल स्पून हमने टमाटर सॉस ऐड कर लिया है। और बस इसमें हम 1 से 2 चम्मच यहाँ पर ताज़ा दही ऐड करेंगे। और अब इन मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मसाले के लिक्विड को तैयार कर लेंगे दोस्तों। मसाले का लिक्विड अच्छी तरीके से लगभग तैयार हो चुका है और ये देखिए, आलू प्याज भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बस इसी ही पॉइंट पर आकर कटे हुए भिंडियों को इसमें हमें ऐड करना है। तो ये देखिए, हमने जो भिंडियों को बारीक तरीके से कट किया था, उसे हम यहाँ पर फ्राई करने के लिए कढ़ाई पर ऐड कर चुके हैं। अब हम भिंडी को तब तक फ्राई करेंगे तब तक इसमें भिंडी का लिक्विड सूख ना जाए दोस्तों, और भिंडी अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए। भिंडी जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी, तो उसी ही पॉइंट पर हमें इसमें जो हमने मसालों का लिक्विड बनाया हुआ था उसे इसमें ऐड करेंगे, और जो हमने 2 मीडियम साइज टमाटर लिए हुए थे उसे इस पर हम ऐड करेंगे। तब तक हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ढककर रख देते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुका है मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए, भिंडी में अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बस इसी ही पॉइंट पर आकर अब हमने जो 2 मीडियम साइज टमाटर कट किए थे उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए, हमने यहाँ पर जो लगभग 2 हरे मिर्च लिए हुए थे
उसे भी हमने कट करके ऐड कर दिया है। तभी तो दोस्तों हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही चटपटी, बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारी यहाँ पर आलू भिंडी मसाला बनकर रेडी होगी। तो अब हमने जो लिक्विड मसाले का तैयार किया था उसे इस पर हम ऐड कर देंगे। हमने मसाले का लिक्विड इस पर ऐड कर दिया है और ये देखिए कितने ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारी भिंडी मसाला बनकर रेडी होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चली है। तो दोस्तों इस तरीके से घर पर एक बार भिंडी मसाला बनाने का ट्राई ज़रूर कीजिए। सच्ची में दोस्तों आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया एक फ्लेवर नए तरीके से भिंडी मसाले का मिल पाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर मसालों को और टमाटर को अच्छी तरीके से भिंडियों के साथ फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसे ढककर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए एक बार फिर से रख देते हैं। 4 से 5 मिनट होने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि भिंडी और यहाँ पर हमारे मसालों का लिक्विड और टमाटर अच्छी तरीके से भिंडी के साथ मिक्स हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिखने में ही ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब दिख रही है दोस्तों, और ये बिल्कुल अब रेडी हो चली है। और बस इसी ही पॉइंट पर आकर अब हमें इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना होगा दोस्तों। तो अब हम इसमें बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे जिससे इसमें हमारे भिंडी में 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए कितना प्यारा, कितना बेहतरीन तरीके से इसमें लुक निकल कर आया है, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट की तरह यह दिखने में इसका फ्लेवर लग रहा है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।